बाबा नंद सिंह जी समझाया करते सुनाया करते थे। समझाने के लिए के गुरु साधु संत कितनी ताकत रखते हैं। राज दरबार है, राजा राजगुरु को अपने से ऊंचे आसन पर बिठाता है, ये होना भी चाहिए। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। और जो राज ज्योतिषी है अपने से नीचे आसन पर, राज ज्योतिषी बड़ा चिढ़ता है कि हर काम हमसे पूछ कर करता है राजा, हर काम ज्योतिषी से पूछ कर करता है, युद्ध करने जाऊं या ना जाऊं, जीतूंगा या हारूंगा, हर काम हमसे पूछता है। पर बिठाता ऊंचा राजगुरु को है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, जो उसके गुरु हैं राजा के। ज्योतिषी ने शिकायत कर दी, कहने लगा राजन ये आप सही नहीं करते, मेरा मन दुखता है कि हम राज ज्योतिषी हैं, हमारा आसन आपसे नीचे और उनका ऊंचा क्यों। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, या तो हमारा आसन भी ऊंचा करो या तो उनका नीचे करो, हमारी बराबरी में बिठाओ। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। अब राजा भी ज्ञानी था, कहने लगा ज्योतिष विद्या और गुरु का क्या मेल, आपका ज्योतिष कमाल का है, आपकी विद्या कमाल की है, आपकी बातें ज्यादातर सही निकलती हैं, पर गुरु का मुकाबला कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्योतिष कहने का नहीं, एक परीक्षा रखो जिससे ये साबित हो जाए कि गुरु बड़ा है या ज्योतिष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा कहने का ठीक है मैं परीक्षा करूँगा। कुछ समय सोचकर राजा ने दरबार में हाजिर हुआ और हाथ में एक डिब्बी है छोटी सी, जैसे उसके अंदर कोई हीरा हो। राजा उसके अंदर एक लाल एक कीमती हीरा लेकर आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और डिब्बी हाथ ने पकड़ कर बंद डिब्बी है। कहने का ज्योतिषी राज ज्योतिषी जी आप बताइए कि मेरी डिब्बी में क्या है। और गुरु से भी कहा कि आप बताइए मेरी डिब्बी में क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो बता देगा सही वो बड़ा होगा, आज निर्णय हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्योतिषी बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने अपना सारा ज्योतिष लगा दिया, सारी ज्योतिष विद्या लगा के कहता है राजन आपकी डिब्बी में लाल है हीरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा हैरान रह गया कि इतना कमाल का ज्योतिष है, बांधे डिब्बी में क्या है जान लिया, कुछ भी हो सकता था, पर इसने परफेक्ट बताया कि फलाना लाल है ये है प्रॉपर। राजा चुप, अब उससे शर्म आ रही कि गुरु ना कहीं झूठा पड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर गुरु से कहता कि आप बताओ। गुरु कमाई वाले संत महापुरुष विनम्रता, कह लगे राजन जो कह रहा है ठीक ही होगा खोल दो। कह लगे नहीं आप भी बताओ क्या है। गुरु कह लगे नहीं भाई इसमें कौन सी आपस में प्रतिस्पर्धा, जो कह रहे हो सही होगा खोल के दिखा दो। राजा कह लगे नहीं, आज इसे हमेशा कंप्लेंट रहती है शिकायत रहती है कि आपका आसन ऊंचा क्यों। वो कह लगे मेरा आसन उसे दे दो मैं नीचे बैठ जाता हूँ। राजा कहने लगे नहीं सारी प्रजा के सामने निर्णय हो जाए ना कि गुरु बड़ा के ज्योतिषी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बात यहाँ पर महापुरुषों ने सोचा अब तो बात खाली मेरी नहीं रह गई सारे संसार की रह गई, गुरु बड़ा के ज्योतिषी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु से बड़ा तो सारे संसार में कोई है ही नहीं, अब सारे गुरुओं की लाज रखनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा राजन अगर मेरी नज़र से देखो और अगर मैं कहूँ तो इसी डिब्बी में सांप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सांप का बच्चा है छोटा। राजा एकदम हैरान रह गया, उदास हो गया कि आज मेरे गुरु की हत्या हो जाएगी, मेरे गुरु हार जाएंगे, ज्योतिषी जीत जाए। राजा कहने लगा फिर से एक बार सोच लो। वो कहने लगा इसमें सांप है। गुरु कहने लगे सांप। ज्योतिषी मुस्कुरा पड़ा, कहने लगा राजा खोल के दिखा दो डब्बी। राजा खोल नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा नहीं खोल रहा, शर्मा रहा है कि गुरु छोटा हो जाएगा, मन नहीं करता उसको गुरु की हद तक हो, गुरु हारे। गुरु कह रहे विश्वास कर राजन घबरा मत डब्बी खोल दे। ज्योतिषी भी कह रहे डब्बी खोल दो। गुरु कह रहे राजन घबरा मत खोल दो। जब राजा ने डब्बी खोली डब्बी में से सांप निकला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्योतिष हैरान है, राजा हैरान, गुरु जी मुस्कुरा रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा कहता ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, मैंने खुद अपने हाथों से एक कीमती लाल डिब्बी में डाला, किसी के हाथ में डिब्बी देनी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, इसमें लाल ही था, सांप कैसे बन गया। ज्योतिषी भी कहता है कि मैंने सारी विद्या लगा के कहा था और आप भी मान रहे हो इसमें लाल था, सांप कैसे बन गया।
तब गुरु ने समझाया जो बाबा नंद सिंह जी अक्सर कहा करते थे, ज्योतिषी बता सकता है कि किस्मत में क्या लिखा है, गुरु बदल सकता है किस्मत में जो लिखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ज्योतिषी केवल बता सकते हैं, अगर वो भी कोई सही हो तो 99% सब झूठे होते हैं। ये एक विद्या है जो अनमोल है, और इस विद्या की कीमत कोई कीमत नहीं है। दास ऐसे लोगों से मिला है जिनके पास ये विद्या है, और उनका एक कहना है कि ये हमारे गुरु ने जिन्होंने हमें ये विद्या दी थी उन्होंने एक शर्त रखी थी कि अगर किसी भी से भी ये विद्या के बदले में धन ले लिया दिखा बताकर ज्योतिषी, उसी दिन से विद्या खत्म हो जाएगी। तो हम किसी से कुछ ले नहीं सकते। आप यहाँ पर समझ जाओ, आपसे कोई कुछ मांग कर आपको ज्योतिष बता रहे तो वो असल में ज्योतिषी है ही नहीं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे कोई विरले होते हैं, पर गुरु ज्योतिषी फिर भी केवल बता सकता है, गुरु बदल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत महापुरुष लेख बदल सकते हैं, उनके हाथ में ये ताकत निरंकार ने दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी कितनी घटनाएं हैं, कितनी घटनाएं। हजरत मोहम्मद साहब ने एक बालक को देख के कह दिया था ना पानी पीते वक्त, ये छोटा बालक तो इसकी तो आयु बहुत थोड़ी है, कुछ ही दिनों में मर जाना है। इसने मां रोने लगी, हजरत मोहम्मद साहब दिलासा देकर चले गए। कुछ समय बाद वापस आया तो देखा वही बालक पानी मांगा, तो वही बालक पानी लेकर आया। हजरत मोहम्मद साहब हैरान, कह लगे इस बालक ने तो जीना नहीं था, ये जीवित कैसे है। माता कहने लगी मुझे ये तो नहीं पता क्या सही क्या गलत है। पर एक आपके जाने के बाद मैं उदास बैठी थी, एक दो दिन बाद एक साधु आए, महापुरुष कोई रमता फकीर था, उसने भी पानी मांगा। रेगिस्तान का इलाका था, प्यास लगी होगी, पानी मांगा, मेरा बेटा ही पानी ला के दिया। तो मुझे रोते हुए देख के कहने लगे क्यों रो रही हूँ भाई। मैंने कहा कि हजरत मोहम्मद साहब कह के गए हैं कि इसकी आयु कुछ ही दिनों की है, मेरा बेटा मर जाएगा। जिस माँ को पता चल जाए बेटा मर जाएगा वो कैसे सुखी रह सकती है, मेरे तो हर घड़ी दुख में बीत रही। तो फकीर कहने लगा, कहते जाते जाते कह गया कि जीते रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अल्लाह तेरी बड़ी उम्र करे, और कह के चला गया। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपने कहा था कुछ दिनों का मेहमान है, कई महीने बीत गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब हैरान हो गए, आवाज लगाई, या खुदा मैंने पढ़ा था देख लिया था कि इसकी उम्र छोटी है, बढ़ कैसे गई। तो आवाज आई, मोहम्मद तूने पढ़ा था, तूने मुझसे पूछा था इसकी आयु कितनी, मैंने बता दी। और वो फकीर आया ना, उसने पढ़ा ना पूछा, सीधा लिख कर चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उसका लिखा हुआ मैं काट नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साधु की संगत कितनी मायने रखती है, कितना मायने रखती है, मेरे पास इसके लिए लफ्ज नहीं है। साध संगत जी, दास फिर से एक बार ये बात कहता है, अगर बाबा नंद सिंह जी की संगत प्राप्त ना होती, बाबा कुंदन सिंह जी की संगत ना प्राप्त होती, वो घर ना मिलता, तो खत्म हो गए होते अब तक, पता नहीं कहाँ पड़े होते, कहाँ पड़े होते। सच प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक 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 बात पर शिक्षा, एक एक बात पर ज्ञान बाबा नंद सिंह जी का, कि कीर्तन कैसे करना है, कीर्तन के बाद क्या करना है, कीर्तन से पहले क्या करना है। एक एक शिक्षा कि कमाई करके संभालनी कैसे है, नहीं तो गवा लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी बारीकी से एक एक बात बताई, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को कैसे सेवा, कैसे क्या, पंखा कैसे लगाना है, इतर कैसे छिड़कना है, मतलब इतना बारीकी से एक एक ज्ञान बाबा नंद सिंह जी का, जीवन में कैसे चलना है, गृहस्थ में कैसे चलना है, एक एक ज्ञान। वो ना होते हम रुलते फिरते, कोई बात ना पूछता, कोई ना पूछता हमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।